से प्यारी आज कब नहीं टूटी केहू के तुरले पर हमन के यार बचपन के यारी यारी छुट्टी अब मुले आपसे निवेदन करता हूँ आदरणीय विजय चौहान भैया कि आज अगर अपने भाई को देख रहे होंगे तो भाई का आंसू पूछिए, भाई का रुवाई के वजह मत बनिए। आपके साथ अभी क्या क्या हो रहा है? हमारे साथ तो फिलहाल चमत्कार हो रहा है क्योंकि एक मेरा दोस्ती गाना आया है, जिस दोस्ती गाने पे तमाम साजिश भी हुआ, तमाम बाधा, तमाम रुकावट भी पैदा हुआ, लेकिन इस दोस्ती गाने पे पूरा भोजपुरी समाज ने ऐसा यारी निभाया, ऐसा दोस्ती निभाया कि पूरा भोजपुरी का, भारतवर्ष के, रील्स का आज का टेक्निकल युग है, शॉर्ट्स वीडियो का दौर है, इसमें सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा रील्स बनेंगे। मात्र 14 दिन में 3 मिलियन यानी 30 लाख से ज़्यादा लोग रील्स बनाकर एक महारिकॉर्ड स्थापित कर दिया है। इस उपलब्धि का सारा श्रेय आप तमाम श्रोताओं को जाता है, मेरे दोस्त को जाता है, मेरे मित्र को जाता है, गार्जियन को जाता है। इस उपलब्धि का सारा हकदार आप हैं। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर बड़ा बड़ा आरोप लग रहा है कि आपने गाना चोरी किया है। आरोप ये नहीं लगत, आरोप इतने बात के लगता है कि हम ट्यून गा दिल बने। आप ही लोग बताइए, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग तो दूध के दूध दही के दही कर देनी। क्या हम वैसा पहला कलाकार बनी जो भोजपुरी में केहू के ट्यून गा दिल बनी? आप लोग बताइए। हाँ ना, क्यों लग रहे आरोप लगाने वाला ये लगा रहा है कि ट्यून गाई के हमारा से बड़ा स्टार बन गया। अच्छा। स्टार हम स्टार बन नहीं गए, मतलब उन लोगों की नियत भी है ना, कि हमसे ज़्यादा बजने लगा, हमारे ट्यून कॉपी कोई लॉस है, गाना पूरा भारत में एक तरफा बजाता। मतलब जिस ट्यून पे आपका गीत आप गाए हैं उस ट्यून वाले का ओरिजिनल गीत नहीं चला था और आपका ब्लॉकबस्टर, मतलब ब्लॉकबस्टर हो गया भाई। इतने 14 दिन में 3 मिलियन यानी 30 लाख रील। कौन सा गीत था थोड़ा दर्शक? वो गीत हम तमाम दोस्तों को समर्पित करेंगे। ये गीत आप लोगों के लिए है क्योंकि ये दोस्ती आप लोगों ने निभाया है, तो ये गीत आप सबको समर्पित है। प्यार से सुनिएगा, खूब प्यार दीजिएगा गीत के भाव कि तोहरा से प्यारी आज कब नहीं टूटी केहू के तुरले पर कि तोहरा से प्यारी आज कब नहीं टूटी केहू से तुरले पर कि हमन के यार बचपन के यारी यारी छुट्टी अब मुले पर कि हमन से यार बचपन के यारी यारी छुट्टी अब मुले पर। देखिए सनी पांडे का गीत इतना बजा है तो कोई भोजपुरी के बड़े कलाकार आकर के इस विवाद को सुलझाए हैं कि नहीं सुलझाए? कोई अभी तक आगे हाथ नहीं बढ़ाया है, लेकिन बड़े बड़े कलाकारों में से, बाकी हमारा से सुपरस्टार तो कोई फोन नहीं किया है, लेकिन हमारे सम ना होला कि हमसे कुछ आगे बड़े भाई हैं। देखिए कुछ लोग ही विरोध कर रहे हैं हम, लेकिन सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, आपका जो दोस्ती गीत है तो ऐसा तमाम सुनने को मिला है बड़े चैनलों के माध्यम से भी कि बहुत सारे जो चैनल पे दोस्ती गीत डाला गया था उस पर स्ट्राइक आ गया है, आखिर मूल वजह क्या है जनता को? मूल वजह यही है कि गाना बजना नहीं चाहिए, किसी भी स्तर पे हम जाएंगे लेकिन तुमको पनकने नहीं देंगे, तुमको बजने नहीं देंगे। ये गाना अब तक 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखा जा चुका है यूट्यूब पे, कहीं से 7 मिलियन व्यूज़ पे उड़ाया गया है, कहीं पे आज 31 लाख व्यूज पे सुड़ा है, कहीं 27 लाख, कहीं 14 लाख, 3-4 लाख पे तो अनेकों जगह सुड़ाया गया है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि दोस्ती गीत को इतना प्यार दुलार मिल रहा है तो कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अपने आप को एक बड़ा स्टार मानते थे उनमें खलबली मची है? खलबली मचा है कि नहीं मचा है ये तो नहीं जानते हैं, दिल की बात। बहुत सारे बड़े भाई होंगे जो खुश भी होंगे कि आपका छोटा भाई आगे गया है, लेकिन कुछ लोग ज़रूर हैं जिससे उनको परेशानी है। अगर परेशानी नहीं होता ना भैया, तो इतना बजने वाले गीत को जब जनता लाख चाह रही है कि ये गीत बजे, अनेकों बार आपसे बात भी किया गया है, 12 दिन तक तो मैं खुद सनी रोते रह गया, गाते रह गया, बिलखते रह गया, निहोरा पुनिहोरा के लिए बनी कॉमन बात रुआ से ना कह लो, क्योंकि जोना तरीका से भाई के मैनेज करे के बाद भाई सब चीज़ मैनेज करने के लिए तैयार है, भैया गाना छोड़ दीजिए प्लीज़, लेकिन बार बार धमकाया गया है, डरवाया गया है। विजय चौहान में और सनी पांडे में एक अच्छा रिश्ता था, बिल्कुल, आखिर इतना कौन सा, मतलब बीच में दरार पड़ गया कि जब दोस्ती गीत बजा तो दोनों में इतना बड़ा मतलब जख्म बन गया? हमारे तरफ से, हमारे लिए वो हमेशा से आदरणीय है और हमेशा से आदरणीय रहेंगे, कहाँ से कि हमने के कला के पुजारी हैं,
कहीं ना कहीं काला में हमसे वो आगे हैं, श्रेष्ठ हैं, तो उनका सम्मान आजीवन किया जाएगा। भैया हमारा के बहुत ज़्यादा मानत रहनी, लेकिन अचानक का जन का भय कि भाइये के रोवावे लगनी, भाइये के सतावे लगनी जा, ये अच्छा काम नहीं है। मैं कैसे पब्लिक देख रही है, गाना पब्लिक ले पहुँच गई बा। बताइए जिस दौर में ढोनी चटना गाना ढोनिए में इनार बा, ढोनी में चाय पीब तो अमर हो जाइब, ढोनी दूध के कटोरी, जो मैंने भी गाया है, मैंने भी अपने हम भी अपना गलती का मानत रही। ये दौर में कुल गाना बाजल बा, वो दौर में एक दोस्ती गाना जो समाज को जोड़ने वाला गाना है, जो किसी जाति मजहब को नहीं देखता है, जहाँ पे कोई उम्र की सीमा नहीं होती है, वहाँ पे गाना इतना ब्लॉकबस्टर हिट भइल बा, लोग कहते हैं कि दिलवा में लागल बा, दिलवा में लागल बा। दिल में लगने वाले गीत को अगर आप उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं भैया, तो आप जनता के इमोशंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, प्लीज़ साथ दीजिए भाई का, जो हुआ हम भूल जाएंगे, सब चीज़ भूल जाएंगे। आप आकर भाई को आशीर्वाद दे दीजिए। चलते चलते विजय चौहान को क्या कहेंगे? विजय भैया से यही कहेंगे कि आप हमारे आदरणीय हैं, आपको बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने भाई को प्यार दीजिए, दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और भाई को दोस्ती गाना को बजने दीजिए भैया। चलते चलते अंतरा जो लास्ट वाला थोड़ा सा उसमें सुना दीजिए। ये गाना के लास्ट वाला अंतरा ये आप सभी के लिए है कि जही आले सूरज चनवा रही हो, कि यादी में हमनी के नमवा रही हो, आज की जोड़ी भगवान जी बनवले हमारा के रउआ से मिलवले, कि मिले ला सुकून बड़ी दिलवा के भीतरी बोलिया सुनले प, कि हमनी के यार बचपन के हो यारी यारी छुट्टी अब मुले प, हमनी के यार बचपन के हो यारी यारी छुट्टी अब मुले प। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।